तो कैसे आप सब आए हो, आप सब अच्छे होंगे और हम और आप मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। मैंने जो है अपने आप को कवर कर लिया क्योंकि अभी जो है आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट और बहुत ही यूनिक सी, डिफरेंट सी, जो अभी तक हम नहीं गए हैं और मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक, और आपको भी मैं अपने साथ पहली बार जो है शेयर करा रही हूँ, ठीक है। तो अभी निकलते, लेट हो रहा है, अभी निकले वह। हाँ जी, अभी निकले हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी अफ्तारी लगती है शाम में, मस्त उसने शामियाना सा बना के रखा एकदम। एक बार इंडियन ऑयल का भी पूरा ब्लॉग बनाऊंगी स्पेशली, इतने अच्छे लग रही है येलो येलो फ्लावर्स। ये आ गया है रानी बाग, और रानी बाग ओपन था तो आज ज़्यादा रश इतना लग नहीं रहा था, तो वही हम बातें करते हुए जा रहे थे। और ये कितना प्यारा है ना, ये चर्च जो है बहुत ही अच्छा है। ये कितना अच्छा कलर होया है ना, एकदम कलरफुल लग रहा है मस्त सा, जो कि ये सारी पेंटिंग एक हमें मैसेज देती है, बहुत प्यारा सा। मोहम्मद अली रोड से निकलेंगे ना, हाँ ये पूरा मेन मुंबई स्टार्ट हो गया है और हम मोहम्मद अली रोड से निकलेंगे, उसका स्पेशली एक ब्लॉग बनाऊंगी। और अभी हम दूसरी मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ का ब्लॉग एंजॉय करना। अभी कितना ट्रैफिक है इधर, हाँ यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। ये हम पहुँच गए शालीमार होटल है, नूर मोहम्मदी होटल, बहुत प्यारा है। हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे शूज़ है, यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा है शूज़ का और रिजनेबल प्राइस में होता है, सबसे अच्छी बात ये है। ये आ गई मस्जिद, अब हम नज़दीक पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत प्यारी मीनारा मस्जिद, बहुत फेमस मस्जिद है। खाओ गली है, अंदर खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अफ्तारी के टाइम और ज़्यादा अच्छा लगता है, एक से एक वैरायटी की खजूर है। अभी तो चलने की इतनी जगह भी है, रात में तो बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल मतलब खसक खसक के इंसान जाए, अफ्तारी के बाद और ज़्यादा भीड़ होने वाली है। ये आ गया यहाँ पे गुलशन ए ईरानी, जो कि यहाँ अभी बंद ही है, बंद है मंडे को, क्यों, बहुत बड़ा होटल है। इसे अपडेट करते रहा करो मुझे, तो मैं दूसरों को बता दूँ ब्लॉग में। ये आ गई है मनीष मार्केट, बस मुंबई में तो एक से एक मार्केट है, नाम अलग अलग हैं सबके सबके, लेकिन कुछ ना कुछ अलग अलग स्पेशलिटी है। मनीष मार्केट कितना बड़ा बैनर लगा हुआ था उसका। ये आ गया बीटी स्टेशन, कितना प्यारा है ना ये भी, जो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है ना, उसकी बात ही अलग है। कितना कुछ है यहाँ से, क्या क्या एक्सप्लोर करूँ आज ही आज। अच्छा, हम आए फैशन स्ट्रीट मार्केट और यहाँ से जो है ये स्टार्ट हो गई है। चलो आउच, ये रिंग सुना कितनी प्यारी है, क्या प्राइस है इसमें की। ये वाली तो सेम है मेरे पास, और कुछ डिफरेंट देख रहे हैं ये सब, ये ले ले। अच्छी, ये रिंग मैंने पहन के देखी और मुझे कुछ इतनी खास पसंद नहीं आई तो मैंने रख दी पड़ी है। आपको अच्छा लगा चले, भाव आपको सही बता दिया, अच्छा लगे लेकिन भाव भी तो अच्छा लगना चाहिए। इसके लिए आपको फिक्स पसंद है 150-200 भाव है। ये जो ऑक्सीडाइज नोज़ रिंग होती है ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास एक रखी है, वो ब्लैक पड़ गई और घूम चुकी है, सो मैं ये लेती रहती हूँ, मेकअप लुक करने के लिए अच्छी लगती है। पर
अच्छा ये यहाँ पे देखिए बहुत प्यारे प्यारे सिक्के चेन है और काफ़ी कुछ इन पे लिखा हुआ है, इनका वर्क भी अच्छा है। और ये सनग्लासेस गॉगल जो आप कह लें तो ये भी काफ़ी अच्छे थे और सस्ते थे काफ़ी, ये चीज़ अच्छी थी इनकी। और यहाँ पे ये क्लच है, हैंड बैग है और पोटली बैग है, जो आप लेना चाहे बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो पोटली बैग गोल्डन कलर का रखा है ना, ये अभी मैं अपने हाथ में उठाऊँगी, वो बहुत ही प्यारा है, बताऊँगी आपको। और बाकी सब भी बहुत अच्छे, छोटे छोटे से जो होते हैं ना, जैसे हम ऐसे कैरी कर लेते तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और सबका जो प्राइस है ना वो बहुत ही सस्ता था, बोलते हैं हाँ ज़्यादा है वो लोग, लेकिन आप अगर बार्गेनिंग करने में अच्छे हो तो आप अच्छा लगा सकते हो प्राइस। क्या ये कर लेता यार, हल्लू बंद कर लेता। ये शूज़ वाला क्या लेटर है, ये भी कैसा कैसे चालू होता है, अरे बाप रे। अच्छा ये ब्लैक वाला फर्स्ट टॉप है जो अभी आपको दिखाऊंगी, पहले ये सारे टॉप देख लीजिए, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत सस्ते हैं, बोलते ज़्यादा हैं जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये ब्लैक वाला फर्स्ट टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था लेगिंग के लिए, कि लेगिंग के नीचे पहनने में अच्छा कम्फर्टेबल होता है। और ये 650 बोला था भैया ने, और एकदम से फटाक से वो 250 में भी रेडी हो गए, मुझे देने को रेडी थे, बट मैंने नहीं लिया, मैं तो बस जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं चलो क्या लेना, नहीं लेती हूँ, सो मैंने ऐसे ही जाने दिया। और काफ़ी सारे ये देखिए, आप जॉब वगैरह करते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, तो ये शॉर्ट्स टॉप्स वगैरह है। और ये यहाँ पर शूज़ है, आगे चल के बहुत प्यारा प्यारा लोफर है, स्पोर्ट्स शूज़ है, जो आप चाहे वो आप ले सकते हैं, हर वेराइटी के हैं। और 1200-1300 शूज़ के बोल के 450 में डन कर देते हैं वो लोग, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक शूज़ लिए थे तो इसके लिए, तो काफ़ी अच्छा है सब कुछ, इसलिए मुझे याद है। बाकी मैंने तो एक दो चीज़ें ही ली थी जो आपको एंड में मैं दिखा दूँगी। और ये लेडीज़ बेल्ट है जो आप वन पीस पे लगा सकते हो, और आप एज अ टॉप वगैरह पे आप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे ये लेडीज़ बेल्ट है और प्यारी प्यारी सी थी एकदम। और ये बच्चों की टी शर्ट है जो आपको 250-300 में मिलते हैं एक, तो वो आपको 100-150 में यहाँ पे मिल जाएंगे, और अच्छे सॉफ्ट मटेरियल है, गर्मियों के हिसाब से कपड़ा बहुत अच्छा है बच्चों के हिसाब का। और ये यहाँ पे सारे टी शर्ट्स है, वन पीस है, फैंसी पीस है, जैसा आप चाहे, अब डेली वेयर आप अच्छे से यहाँ पर आके ले सकते हो, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पर प्राइस भी अच्छा खासा लग जाता है, तो बहुत अच्छी मार्केट है। ऐसे हस्बैंड को अचानक याद आया तो कहा चलो मैं यहाँ के, आप लोग के पास मोबाइल है तो 2-4 कवर लेके जाइए, मोबाइल तो भाई सबके पास है, मोबाइल हमारी दुकान है भाई, क्या बात कर रहे हो, आपकी दुकान है, हाँ तब आप लोग अच्छे नहीं है, अरे वाह सही बात है, कभी भी दुकान जिसका रहता ना, हाँ यहाँ सोचता कि हमारे इधर सब 10 रुपया फायदा करके ले जाए, सामने वाले क्या लू तो खरीदी रेट में दे। आज भाई वाली की पहचान है, पूछो सर की दिल की, भाई दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, रियल बता देख लो भाई, क्या चीज़ है, हाँ बोलिए, देख लेते कुछ लेगिंग्स नहीं मिलेगी क्या भाई, मैडम आगे मिल जाएगा अपने पास, नहीं मिलेगा आगे भी कहीं नहीं है, वो साइड मिलेगा अभी, वो क्या ना हर एक जगह गली गली में घूम के बेचते, इसके लिए नहीं लाते हूं, हाँ लेकिन क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, वो लोग आपकी बात देखो लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं रहता, बात बताऊँ आपकी बात सब सही है, लेकिन क्या है ना अगर हम लोग अच्छा क्वालिटी लाएंगे ना उसके साथ कंपेयर कर देता है कस्टमर, नहीं नहीं क्वालिटी में फर्क होता है ना, हाँ तो कस्टमर उसके साथ कंपेयर करके ना वही रेट बोलता है, स्ट्रेचेबल होना चाहिए, साइज में फ्री होना चाहिए, तो समझ में आता है, अभी प्योर कॉटन है 230 रुपया खरीदी रेट है, 300 रुपया हम लोग बेचते थे, अभी वो 100-100 रुपये वाला आ गया ना, इसको कोई पूछता ही नहीं, ये इधर है ना सब, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से प्रिंटेड से टी शर्ट्स है और बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये भी अच्छे हैं। और ये लेडीज़ टी शर्ट्स वगैरह हैं, टॉप है ये भी काफ़ी अच्छे, समर के हिसाब से अच्छा है। और सॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और
काफ़ी वैरायटीज़ थी वॉलेट वगैरह की सब। और ये हैंड पर्स जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका नाम तो देखो नसरा तो अच्छा लगा मुझे। मैंने भी अभी एडिटिंग करते करते ये नोटिस किया है, उस वक्त नहीं नोटिस किया था, अच्छा लगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे पर्स थे, बस देखने अच्छा लगता है लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा क्या ही करना है ना। और ये शूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, और इनका प्राइस भी अच्छा ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन वो कम लगाने को भी रेडी थे, अच्छे थे। तो मैं ऐसा बोले कि दिल पे पत्थर रख के मैडम जी बोलोगे ना दूंगा। एक लास्ट एक ही बार से भाई, दिल पे मैंने सब रख दरिया पत्थर, अभी तुम बोल देना उतना ही दूंगा। दिल खोल के लोग भी लेंगे। नहीं नहीं, दिल खोल के ही लेंगे, तो काम करो 250 दो पैसा नहीं इतना खुला है पर्स में आपके लिए खाली। ये बहुत ही प्यारी प्यारी घड़ी, घड़ी तो जो है वो उतने ही प्राइस में थी जितने हमारे मार्केट में मिलती है। और ये यहाँ पे और ज़्यादा प्यारे प्यारे पर्स थे आगे चल के जो अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे जेंट्स का और लेडीज़ का जो है जीन्स की क्वालिटी थी, सो वही देख रही थी। ये जो जेंट्स क्वालिटी अभी मटेरियल चल रहा वो बहुत अच्छा लगा मुझे, जालीदार सा कुछ न्यू सा था, डिफरेंट सा था, तो अच्छा लगा। यहाँ पे भैया जो है मुझे ऊपर की जो हम जैकेट पहनते हैं, कोटी वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो वो दिखा रहे थे। और काफ़ी सारे परफ्यूम्स थे जो कि मतलब ओरिजिनल नहीं होते बट डेली यूज़ के लिए चल जाते हैं, ठीक ठाक अच्छी होती है इनकी फ्रेग्रेंस भी, तो काफ़ी अच्छे थे ये भी। और बस हम आगे चलते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें, ये देखिए शर्ट्स है, कुर्ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ईद के लिए जो है ये जो चिकन कड़ी अभी मटेरियल चल रहा है लेडीज़ कपड़ों में, तो काफ़ी अच्छा था ये भी कुर्ता, ईद के लिए आप ले सकते हो। और कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे, म्यूट भी थे, और ये ब्लू वाला बस ज़्यादा डार्क था। और शर्ट की वैरायटीज़ इतनी प्यारी प्यारी थी ना, बहुत प्यारी शर्टें थी यहाँ पे, कलर भी बहुत म्यूट से थे, और इनका पैटर्न भी बहुत अच्छा था। कपड़ों का मटेरियल देखे, मैं छू के देख रही हूँ, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे ये प्लाज़ो वगैरह है, कम घेर के, ज़्यादा घेर के, जैसे आप लेना चाहो, अच्छे कंफर्टेबली, अस्तर वाले, बिना अस्तर वाले, छोटे बच्चों के, बड़ों के, सब के हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा था सब कुछ। और यहाँ पे ना एक वाइट कलर की पैंट है, ये देखिए, हाँ अरे मुझे याद तक आने वाली है, तो ये मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी अच्छी लगी ना, इसका जो क्वालिटी, मतलब चूके ऐसा लग रहा था हाँ इसमें आपको इचिंग और गर्मी वगैरह कुछ नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होगा ये। और ये यहाँ पे सारे सूट्स वगैरह हैं और फुल प्लाजो के साथ है, और ऐसे हैं और लॉन्ग पीस है, जैसा आप लेना चाहो आपके ऊपर डिपेंड है, बहुत अच्छे हैं, डेली यूज़ में बहुत बेस्ट है, और समर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। और बैग की क्वालिटी, बैग्स जो होते हैं जॉब वगैरह पे लेके जाने के लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैं। और ये देखिए जो बोहो ज्वेलरी कहते हैं हम, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कहते हैं, जैसे भी हम कह लें, वो सब कलेक्शन है यहाँ पे। और ये जो मिरर इयररिंग्स होते हैं, मेरे पास अभी एक भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी एक ले लूँ, और फिर दिल ऐसा ना आगे पीछे हो रहा था। और ये वाले मुझे इतने पसंद आ रहे थे, इतने, मतलब अब मैं ना बाद में पछता रही हूँ कि मुझे ले लेने चाहिए थे ये वाले इयररिंग्स। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी ले लेंगे हम। और कैप है ये लेडीज़ जेंट्स, ज़्यादातर मोस्टली लेडीज़ ही थी, जेंट्स कम थी। और ये यहाँ पे ये कॉस्मेटिक है, तो मैं रुक गई, मैंने कहा चलो कुछ देख लेते हैं, तो बाकी सब तो मेरे पास है। मेकअप का तो वाइट काजल नहीं थी, मैं मेकअप लुक करते रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलो वाइट काजल ले लेती हूँ एक। और 100 बोला था भैया ने, 50 में आराम से लगा दिया है। और ये वाले इयररिंग्स देखिए, इन पे तो कसम से दिल ही आ गया था, लेकिन नहीं लिया ये भी मैंने, इसका भी बाद में अफसोस हो रहा है कि ले लेना चाहिए था। और ये यहाँ पे सारे नेकलेस वगैरह है, हैवी है, लाइट है, जैसा आप लेना चाहो, सब कलर में है। ये दुपट्टे स्टॉल वगैरह है यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं। और ये जो खोल के बता रहे भैया, वो नमाज के लिए इतना अच्छा है ना, कॉटन का बड़ा दुपट्टा है एकदम। और ये सारा जेंट्स मटेरियल है, हाथ में पहना ये वो आवारापंती टपोरी गिरी वाला एकदम। और ये देखिए यहाँ हम निकलने लगे, तो एक थोड़ा सा मैं शॉट ले रही हूँ यहाँ पे कि कितना अच्छा है, बस एक पट्टा गया सीधा सीधा लंबा लंबा, और बहुत अच्छा। ये देखिए सब फोर व्हीलर में बहुत सारे लोग आते हैं, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर, जो भी अपने वहीं पे लगा देते हैं। और हम आ गए हैं यहाँ पे बीटी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और डे हो नाइट हो, नाइट में तो इसकी बात ही और ज़्यादा अलग होती है, चार चांद लग जाते हैं जैसे इस हवा का साउंड के साथ एकदम स्पीड में मस्त। अच्छा अभी जो है हम लोग घर पे आ गए हैं, और मार्केट जो मैंने पूरी एक्सप्लोर करी है वो बहुत अच्छी है, तो मैं ये ब्लॉग का एंड करने बैठी हूँ, और जो वहाँ की जो खासियत है वो सब बताने बैठी हूँ। सो वहाँ से मैंने ज़्यादा कुछ तो कुछ भी ज़्यादा कुछ क्या मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ हम लोग जो है आपको एक्सप्लोर करने गए थे, रिव्यू देने गए थे। एक ये आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो है मैंने ये एक रिंग ली थी, जो कि ये बहुत प्यारी है, और हम अपने मार्केट में लेने जाए, मैं ओपन कर देती हूँ, जब पहनूँगी, जब भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए
तो जब हम यहाँ पे जाएंगे ये 100-120 की तो मिलती ही मिलती है, और हमारे यहाँ पे जो है कम नहीं होता है बिल्कुल भी हमारे मार्केट में। और ये मुझे मिली है 50 रुपीज़ में, और ये काजल है वाइट पेंसिल काजल, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। मैंने कहा चलो मेकअप लुक वगैरह करती हूँ तो ट्राई करूँगी, और इसको मैंने थोड़ा सा अभी ट्राई किया, ये बहुत अच्छी है, और तो बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप सस्ते में डेली यूज़ के लिए कुछ भी चाहते हो, डेली वेयर वगैरह जो भी आपको चाहिए, शूज़ हो गया, हैंडबैग हो गए, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गए, कुछ भी हो गया, गॉगल्स हो गए, बेल्ट है, कुछ भी है, आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत रिजनेबल प्राइस में ले सकते हो। और जैसे कि ये है चीपेस्ट मार्केट, तो वाकई ये चीपेस्ट मार्केट है और बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल प्राइस है, मतलब आसमान का भाव आपको ज़मीन में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और आगे अगर कोई आप और मार्केट देखना चाहते हो एक्सप्लोर करो तो वो भी कर दूँगी, तो क्योंकि आपको चेंबूर मार्केट के अच्छे रिव्यू आ रहे थे तो मैंने सोचा अब ये भी बना देते, तो अच्छा था, मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और आपके साथ जो भी था शेयर किया, बहुत अच्छी, आप ट्राई कर सकते हो जो भी मुंबई में रहते। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।